हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी जो है शाम का टाइम है, तो आप देख सकते हैं मैं अभी यहाँ पे गांधी पार्क में हूँ। जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में भी आप देख सकते हैं, मैंने काफ़ी वीडियो शूट कर रखा है। तो गाइस, अभी जो है मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि अभी मेरे पास GoPro 10 मॉडल का कैमरा पड़ा हुआ है, जिससे मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। और जो है मेरा वॉइस अभी आप चेक कर सकते हैं कि कैसा वॉइस क्वालिटी आ रहा है। अभी क्या है कि बैकग्राउंड का जो है नॉइज़ कभी कैंसिलेशन नहीं कर पाता है इसका GoPro का इंटरनल माइक। अभी मैं इंटरनल माइक से ही शूट कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से कि अपना GoPro का मीडियम मूड मंगा लिया जाए। अरे यार, आवाज़ बंद करो। तो GoPro का मीडियम मूड जो इसका माइक था, एक्सटर्नल माइक, वो मंगा लिया जाए। काफ़ी दिन से सोच रहा था, तो मैंने अभी देख सकते हैं यहाँ पे अपने GoPro का मीडियम मूड जो है यहाँ पे देख सकते हैं। और बात से मैंने यहाँ पे परचेज़ किया है 8500 का। टोटल मुझे 8500 रुपये का पड़ा है। और इसका बैकग्राउंड में प्रिंट देखेंगे तो आपका 8700 का है यहाँ पे प्रिंटेड है। तो आइए चलते हैं, इसका एक्सटर्नल माइक जो है मैं चेक करता हूँ कि कैसा इसका जो वॉइस क्वालिटी है, क्या इंटरनल माइक से बेटर है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। पहले इसको मैं निकाल लेता हूँ अपना। जस्ट आजा नीचे, आप देख सकते हैं जस्ट मैं शूट कहाँ कर रहा हूँ। हम लोग बैठे कहाँ हैं शूट करने के लिए, थोड़ा दिखा दो नीचे। यार नीचे पूरा पानी है और कुछ नहीं है यहाँ पे, जस्ट पकड़ सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा पास आ जाइए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास GoPro मीडियम मोड यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसका जस्ट ये है फोम है जो माइक के ऊपर में लगेगा। और देख सकते हैं ये है GoPro मीडियम मोड का जो है एक्सटर्नल माइक, जो पूरा फ्रेम के साथ में। सिर्फ इतना ही मुझे जो है 8500 रुपये का पड़ा हुआ है। तो चलिए अभी तो मैं शूट कर रहा था इंटरनल माइक से, अब इससे शूट करते हैं एक्सटर्नल माइक से, इसका वॉइस क्वालिटी कैसे आता है। तो अभी जो है हमारा एक्सटर्नल GoPro मीडिया मोड जो है लग चुका है, और वॉइस को जो है अपन चेक कर सकते हैं कि कैसा क्वालिटी आ रहा है। तो राकी भाई, कैसा लग रहा है अभी? देखिए, अभी तो हम कुछ नहीं बता सकते कैसा लग रहा है। वीडियो देखने के बाद मालूम हुआ कि हमको कुछ बदलाव महसूस हुआ है कि नहीं, जैसे बदलाव लग रहा है कि नहीं हमको माइक लगाने से तो अपने गांव वाला हो गया माइक जो गांव में नहीं बोलते हैं, हेलो माइक टेस्टिंग। तो दोस्तों अभी चलते हैं ना, अभी मैं यहीं पे पार्क के बगल में जो है मेन रोड है, तो वहाँ पे काफ़ी जो है गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, तो उसको जो नॉइज़ होता है वो पता चलेगा कि जो है नॉइज़ कैंसिलेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद से हम लोग का कुछ प्लान है, जो यहाँ पे कदमबेरी बहुत ही ज़्यादा फेमस डैम है। अब मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने एडवेंचर कर रखा है। तो फिलहाल चलिए अपन चलते हैं थोड़ा रोड के किनारे और देखते हैं कि इसका कैसा वॉइस क्वालिटी जो है GoPro मीडिया मोड का, कि हमारा पैसा लगाना सही है या नहीं, कि आप इसको लेना चाहें। हम तो लोग भी रतन टाटा के जैसे दान कर दिया माइक खरीदते समय। हाँ, तो पैसा देखते हैं हमारा बर्बाद है या सक्सेस है, तो वो अभी पता चलेगा जब हम रोड के किनारे या भीड़ भाड़ इलाकों में जाके इसको शूट करेंगे। तो चलिए निकलते हैं अपन यहाँ से सीधे। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल में मैं रोड पे आ गया हूँ, और अभी मैं जिससे शूट कर रहा हूँ वो इंटरनल माइक है। और देखिए हमारा GoPro का मीडिया माइक जो एक्सटर्नल माइक है, इसको अब लगा के चेक करेंगे कि कौन सा ब्लॉग बनाने में ज़्यादा क्लियर आ रहा आवाज़, या एक्सटर्नल माइक के द्वारा या इंटरनल माइक के द्वारा। तो अभी जैसे राकी भाई जैसे बोल रहे हैं कि अभी जो मैं हम लोग रोड पे हैं, तो काफ़ी गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं, तो इसका इंटरनल माइक जो है कैसे नॉइज़ कैंसिलेशन कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। तो अभी मेरे पास में फ़िलहाल में GoPro का मीडियम मोड है, तो चलिए अभी फ़िलहाल में इसको लगाते हैं और देखते हैं कि इंटरनल माइक बेस्ट है या एक्सटर्नल माइक बेस्ट है, क्योंकि इसमें 8500 रुपये हमारा लग चुका है। लगाते हैं GoPro का मीडियम मोड और चेक करते हैं इसका एक्सटर्नल माइक। इंटरनल माइक हमने सुन लिया कि इसका वॉइस कैसे आ रहा है, तो बारी अब एक्सटर्नल माइक की। गाइस, अभी जो है फिलहाल में मैंने एक्सटर्नल जो इसका माइक है मीडियम मोड का यहाँ पे फिट कर दिया है, और काफ़ी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, तो आप चेक कर सकते हैं इसका वॉइस क्वालिटी है, नॉइज़ कैंसिलेशन बैकग्राउंड में कैसे आ रहा है। तो फिलहाल में अभी जो हमारे पंकज सर मिल गए यहाँ पे, हमारे इंचार्ज। तो सर कैसे हैं हम अभी? ठीक है। ये कहाँ जा रहे थे आप? मार्केट जा रहा हूँ। तो सर मार्केट जा रहे हैं, तो इनको विदा कर देते हैं। ये भी मतलब बोलते हैं ना आदमी पब्लिक में थोड़ा डर के बोलता है जब पहली बार बोलता है। आप डर रहे हैं क्या? डरने का क्या बात है यार, जस्ट आप पूछा कहाँ जा रहे हैं, मैं मार्केट जा रहा हूँ बोला, डरने की बात होती है भाई। तो चलिए मिलकर अच्छा लगा, हमारे सेक्शन इंचार्ज हैं। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, थोड़ा सा भीड़ वाले इलाके में,
वहाँ पे चल के थोड़ा सा और इसका प्राइस क्वालिटी है अपन चेक कर लेते हैं। राकी भाई चले, चलिए चले, चलिए। ब्लॉग शूट करते करते जो इंटरनल माइक एक्सटर्नल माइक में हमारा जो गला पूरा सूख गया था, अभी भी एक्सटर्नल माइक में ही शूट कर रहे हैं। और रोड के किनारे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बादाम शेक का, यहाँ पे सामरिया करके कुल्फी आइसक्रीम का यहाँ पे गाड़ी है, वैन है। तो अभी हम लोग कुल्फी खा रहे हैं, सस्ता वाला, ज़्यादा नहीं, 20 रुपये है। और यहाँ से सीधे खा के अपन सीधे गांधी पार्क में जाने वाले हैं। तो अभी फिलहाल में जो है वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा। बादाम शेक पर ध्यान है, वीडियो बंद कर दिया जाए।